नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये दीपावली से पहले आपका किस्मत चमकाने आ रहा है एक देवता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप एकदम से चुपचाप होकर अकेले में देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जून काल में आज शाम के 5:30 के उपरांत जो बड़ी घटना होने वाली है दोस्तों, आप सभी का किस्मत चमक जाएगा। सोया हुआ नसीब आप सभी का अब जागने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दीपावली से पहले अब आप सभी का भाग्य बिल्कुल ही घोड़े से तेज दौड़ने वाली है। जिंदगी में जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जिनके लिए आप इतने लंबे समय से मेहनत करते आ रहे थे दोस्तों, अब आपका वह मनोकामना पूरा होने वाला है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साक्षात ईश्वर किसी के रूप में आपका किस्मत चमकाने आ रहा है। बस आप आज की इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, तभी आप सभी बातों को ध्यान से समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो नहीं, ये आपके जीवन काल की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये आपके कर्मों का फल है, जिन्हें जानकर, जिन्हें देखकर आपके नींद और चैन दोनों उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि आज शाम के 5:30 के बाद से आप सभी के सारे दुख धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। परंतु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं दोस्तों, उन्हें आप बिल्कुल ही कान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, अगर आप इन बातों से चूक गए तो दोस्तों, आपके जुनकाल में जो भी कष्ट बहुत समय से चल रहे हैं, जो भी पीड़ाएं, जो भी समस्याएं आपके जुनकाल में पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं दोस्तों, उनसे आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान हमें कोई भी चीज़ साक्षात नहीं देती, उन्हें हमारे सामने लाते हैं। और दोस्तों, उन्हें हम किस प्रकार स्वीकार करते हैं दोस्तों, ये हमारे स्वभाव, हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। और दोस्तों, आज शाम के 5:30 के बाद से आपको कुछ महत्वपूर्ण बात हम आप बताने वाले हैं। आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, कुछ महत्वपूर्ण उपाय करना है। और दोस्तों, कुछ ऐसी गलती है जो कि दोस्तों आप पिछले कई समय से कर रहे हैं, यह गलती को भी अब आपको छोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन काल के लिए और दोस्तों आपके घर परिवार आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली साबित होने वाली है। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी से बस यही निवेदन करेंगे कि अपने जीवन काल के महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर आज के इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देख ही लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं दोस्तों, उन्हें आप बारीकी से समझिएगा। दोस्तों, अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो दोस्तों, पीछे करके भी आप हर बातों को समझ सकते हैं दोस्तों। इनमें आपका ही लाभ है, आपका ही भाग्य उदय का मंत्र होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, जो भी माता लक्ष्मी जी के, भगवान भोले शिव शंकर जी के सच्चे प्रिय भक्त हैं, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपने इन प्यारे हाथों से वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल में आपके समस्याएं, आपके जो भी कष्ट है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम से आप सभी की राशि में जो शुक्र की स्थिति है और जो शनि की स्थिति है वो शुभ स्थिति में रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, यशमय बुध और गुरु की जो अवस्था होगी आपके लिए लाभ के नए मौके खोलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये मौके आपके पिछले कई समय से आपके जुनकाल में आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप अपनी असावधानी के कारण, आप अपनी ही गलती के कारण इन मौके का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिनके कारण दोस्तों आपको समस्याओं का सामना कई तरीके से करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको हर एक बात बताने वाले हैं कि आखिर अब आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन से क्षेत्रों में अब आपको लाभ होने वाले हैं और कौन कौन से कार्य अब आपको करना चाहिए ताकि दोस्तों अब आपको दुगनी तरीके से वह लाभ दे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, इन्हें आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यह ज्ञान है ईश्वर के ऊपर विश्वास। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जंगल में एक गर्भवती हिरणे बच्चे को जन्म देने को थी।
वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची में घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसी समय आसमान में घनघोर वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाईं तरफ देखा तो एक शिकारी तीर का निशान उसकी तरफ कर रहा था। घबराकर वह दाहिने तरफ झुकी और पीछे की तरफ झुकी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरने क्या करती, वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा, क्या हिरने जीवित बचेगी, क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी, क्या शावक जीवित रहेगा, क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी, क्या मादा हिरने शिकारी के तीर से बच पाएंगी, क्या मादा हिरने भूखे शेर का भोजन बनेगी। वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे में नदी है, क्या करेगी वो। हिरने अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए, तीर छेड़ते हुए शिकार की आंखें चुंघिया गई। उसका तीर हिरने के पास से गुजरती शेर की आंखों में जाकर लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग भी बुझ गई। हिरने ने शावक को भी जन्म दे दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसे ही क्षण आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नीति के हाथों में सौंप कर उत्तरदायित्व व फिर प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश अपयश हार जीत जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास कर उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। दोनों ही मामले में हम फायदे में हैं। एक हमें प्रेरित करेगा और दूसरा हमारे भीतर सुधार लाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह परम ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो या इनमें सच्चाई लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं कि आज शाम से जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है इनमें आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन सी बातों का अब आपको ध्यान रखना है ताकि आपके सारे दुख सारी पीड़ाएं खत्म हो जाए। और दोस्तों कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर आपके कार्य बनने वाले हैं, घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सभी के जन्मकाल में कौन कौन से चमत्कार होने वाले हैं दोस्तों जानेंगे इन सभी के बारे में पूरे ही विस्तार से। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आज शाम के 5:30 के उपरांत ही आप सभी के जन्मकाल में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। जी दोस्तों, और उनके संकेत आप सभी के जन्मकाल में कुछ ऐसा होगा जैसे कि दोस्तों आपके घर में चिट्ठियों का आना जाना लगा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा अगर आप कहीं देखते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जन्मकाल में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा जो संकेत है वह दोस्तों आपके द्वार पर गाय बैल या फिर दोस्तों कोई ऐसे जानवर आए जो कि आकर बैठ जाए या फिर आपके द्वार पर ही आकर खड़ा रहे। दोस्तों ऐसे में आपको बस यह संकेत समझना है कि आपके घर में धन का वास होने वाला है। और दोस्तों वह गाय बैल या फिर कुत्ता जो भी हो दोस्तों उन्हें आप कुछ भोजन कराकर ही अपने द्वार से लौटाइएगा। दोस्तों इनसे भगवान आपकी जो परीक्षा ले रहे हैं दोस्तों उनमें आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ईश्वर से हम जब जुड़ जाते हैं, ईश्वर के प्रति जब हमारा सच्चा आश होता है, सच्चा विश्वास होता है तो दोस्तों ईश्वर हमारे दुख को देख नहीं पाते। वह हमारे अच्छे कर्मों का फल देने के लिए व्याकुल होते हैं लेकिन दोस्तों ईश्वर जानते हैं कि सही समय पर इन्हें सही फल देना है। जी हाँ दोस्तों, और जब आपको सही फल देने वाले होते हैं तो दोस्तों आपकी परीक्षाएं लेती है। जी हाँ दोस्तों, और कई बार ईश्वर ऐसे ही रूप धारण करके हमारे द्वार पर आते हैं, आपके द्वार पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आपको ऐसी चीज़ों को पहचानना है, उनका सम्मान करना है। और दोस्तों तीसरा जो संकेत है यश में आप शिव के जुनकाल में आपके दाहिने आँख। जी हाँ दोस्तों, दाहिने आँख अगर आपके कांपते हैं तो दोस्तों इनसे भी आपके जुनकाल में धन की आवक की संभावना बनने वाली है, अर्थात माता लक्ष्मी का वास आप शिव के घर में होने वाले हैं। दोस्तों ये
बड़े संकेत हैं जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में आज शाम के शाम से ही आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी बातों का ध्यान रखना है हम आगे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी गलती आप पिछले समय से कर रहे हैं जिन्हें आपको अब नहीं करना है। तो दोस्तों आगे वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान और बिल्कुल ही आप संयम से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के जुनकाल में जो ग्रहों का निर्माण हुआ है, जो ग्रहों की स्थिति में बदलाव हुए हैं दोस्तों, इनमें आपकी यह संभावना बन रही है कि आज शाम से आपकी धन की आवक बढ़ने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों जो भी आपकी आर्थिक तंगियां हैं वह खत्म तो होगी, साथ ही समाज में भी आपका इज्जत बढ़ने वाला है। समाज में आपकी जो मान सम्मान पिछले समय जा चुकी थी दोस्तों, उनमें बढ़ोतरी होने वाली है। बहुत सारे बेरोजगार युवक दिन रात अपने सोच में पड़े रहते हैं दोस्तों, यश में उन्हें रोजगार मिलने की संभावना बनने वाली है। आप सभी के जीवनकाल में लाभ के नए स्रोत खुलने वाले हैं। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान का ही भेजा संकेत होगा, भगवान का ही भेजा दास होगा, जो आपको लाभ के नए सिरे की तरफ लेकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है किन उन बातों को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको उन्हें लेकर आगे जाना है और दोस्तों सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर सच्चा व्यक्ति है तो दोस्तों आपकी सोच में आपके दिलो दिमाग पर वह छा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, सोच समझ कर बस आपको कार्य करना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके जीवनकाल में धन आते हैं तो दोस्तों उनका संचय करने के लिए भी आपको सही चुनाव अब करना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जिनके भी जीवनकाल में दाम्पत्य जीवनकाल में जो भी परेशानियां, जो भी झगड़े चल रहे थे दोस्तों, यश में वह धीरे धीरे समाप्त होने वाली है और घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में बहुत ही अच्छा स्थिति देखने को मिलेगा। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों आप सभी का पारिवारिक माहौल यशमय खुशनुमा बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इन्हें बरकरार रखने के लिए आपको कौन से उपायों को भी करना चाहिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम से जो ग्रहों का निर्माण हुआ है, आप सभी की कुंडली में बहुत ही अच्छे शुभियों के साथ ही आपके नसीब को चमकाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों एक शब्दों में कहें तो दोस्तों यशमी चौतरफा धन आप सभी को प्राप्त होने वाले है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपको अपने कर्मों का पलड़ा हमेशा भारी रखना है, जो कि हम आपको हर वीडियो में भी यह बात कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के जीवनकाल में आपके जो भी कार्य रुके हुए थे, जो भी आपके सपने आपसे दूर हो गए थे दोस्तों, वे सभी अब आपके करीब आने वाले हैं, वे सभी सपने आपके पूरे होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपके जीवनकाल में बहुत सारे सुधार होने वाले हैं। घर के माहौल में सुधार होंगे, कार्य को लेकर सुधार होंगे और पारिवारिक जीवन में भी बहुत अच्छा स्थिति बनने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा कमी दिख सकता है, क्योंकि दोस्तों आप यशमी कार्यभार को लेकर बहुत सारी चिंताएं अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपको अपने सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोस्तों कार्य आपको करना है, समय पर करना है, लेकिन समय के साथ ही आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। दोस्तों आप लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि अपने कार्य में इस प्रकार बिजी होते हैं कि दोस्तों अपने सेहत का ध्यान ही नहीं रख पाते, खाना खाए हैं या फिर नहीं खाए हैं दोस्तों, इस बात का भी ध्यान आपको नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि सर्वपरि आप सभी के जीवनकाल में सेहत होगा। दोस्तों सेहत अगर आपकी अच्छी रहेगी तो दोस्तों आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आप हर कार्यों में मन लगाकर कार्य कर पाएंगी, आप हर क्षेत्र में अपना अच्छा कार्य कर पाएंगे, अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो दोस्तों आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है कि सेहत का भी ख्याल रखना है। दोस्तों कभी भी आपको मानसिक रोगी नहीं बनना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने जीवनकाल में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आपको सावधान रहना है, जो कि आपके जीवनकाल में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाते हैं, नकारात्मक बातें आप सभी के मन मस्तिष्क में लाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है। आपको पूर्ण रूप से निरोगी रहना है, स्वास्थ्य को लेकर भी और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यह बातें समझ गए हैं दोस्तों, आगे हम आपको बता दें कि कौन सी गलती अब आपको नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, और कौन से उपाय आपको करना है। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अब आपको अपने जीवनकाल में आप जो भी कार्य कर रहे हैं दोस्तों, उन कार्यों को आप करते रहें। और दोस्तों ध्यान रहे, हर कार्यों की जांच परख आप बहुत बार नहीं करते हैं, आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, लोग आपके अपने हैं दोस्तों। ये बात अगर आपके दिल में आ गई तो दोस्तों फिर आप अपने कार्यभार सब कुछ उन पर लुटा देते हैं।
तो दोस्तों आपको अब इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि दोस्तों आप कई बार देखे होंगे कि जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही लोग आपको धोखा देते हैं। इसलिए दोस्तों हर कार्यभार की आप जांच पड़ताल जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये आपके जीवन का मूल मंत्र होगा और मूल धन भी होगा। तो दोस्तों आज से ही अपने कार्यों की जांच परख आप खुद से ही करें। हर चीजों को आपको देखना है, समझना है, फिर ही उन कार्यों को किसी और को हाथ में देना है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों दूसरा जो गलती है जो आप लगातार करते हैं दोस्तों, वह गलती है कि आप खुद पर कभी कभी विश्वास खो देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार आप शिविर के जनकाल में समस्या आई है। हालांकि दोस्तों आप समस्याओं से कभी डरते नहीं हैं, आप इतना साहसी इंसान है कि कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए आप उन्हें साहस के साथ करते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार आपके जुनकाल में श्री घर की चिंताएं और बाहर की चिंताएं साथ ही साथ कार्यभार की चिंताएं जब एक साथ आती है तो दोस्तों आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास की जो डोर है वह टूटने लगती है। दोस्तों इनसे आपका जो मानसिक स्थिति है वह खराब होने लगती है, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आप बीमार हो जाते हैं। सेहत को लेकर आपकी ऐसी परेशानियाँ होती है कि दोस्तों आप कभी भी कोई अच्छा कार्य सोच नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अवश्य आपको अपने जुनकाल में कभी भी विश्वास को नहीं खोना है। क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि हर व्यक्ति के जुनकाल में दुख, समस्याएं और संकट आती है। लेकिन दोस्तों इन समस्याओं से वही व्यक्ति बाहर हो पाता है जो दोस्तों ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कार्यभार को ईश्वर पर सौंप देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आपको अब यही करना है कि जो भी कार्य कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, आप अपने अनुसार कीजिएगा। लेकिन दोस्तों विश्वास की डोर को आप कभी भी टूटने मत दीजिएगा। दोस्तों ईश्वर पर भरोसा रखकर आप हमेशा आगे बढ़िएगा। दोस्तों ये आपके कर्मों को दर्शाकर आपके सारे अच्छे कार्यों का फल आपको देगा और दोस्तों उन फलों का आप आनंद भी ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय आप ऐसा भी कार्य किए हैं कि पेशे का अविश्य व्यय किए हैं, यानी कि दोस्तों पैसा जहाँ पर नहीं खर्चा करना था दोस्तों वहाँ पर आपने पैसे खर्च किए हैं। दोस्तों आप जाने अनजाने किए हैं। दोस्तों बहुत बार आप चाहते हैं कि पैसा हम फिजूल के पैसा खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ दिखाने के लिए आप कुछ ऐसे हद तक गए हैं जिनमें आपका पैसा व्यर्थ के खर्चे हुए हैं। दोस्तों यह बात धर्मशास्त्र के अनुसार बहुत ही गलत है। इनसे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और जो भी धन का इज्जत नहीं करता दोस्तों उनके जुनकाल में कभी भी माँ लक्ष्मी वास नहीं करता। तो दोस्तों ऐसे में आप शुभ को बस इन बातों का ध्यान रखना है कि धन का व्यय हमेशा सही समय पर और सही जगह पर करना चाहिए। दोस्तों इनसे माता लक्ष्मी का वास आप शिविर के जुनकाल में होगा और धन की कमी आपको कभी भी नहीं खलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों का अब आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने घर परिवार में अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। क्योंकि दोस्तों कोई इंसान कभी भगवान को देख नहीं सकता, लेकिन दोस्तों उनके लिए, हर इंसान के लिए वो भगवान होता है जो उन्हें जन्म देता है, जो उन्हें इस दुनिया के बारे में सिखाता है, जो उन्हें उनका पहचान दिलाता है। दोस्तों हमेशा उनका सम्मान कीजिएगा, चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत, कितना भी संपत्ति क्यों ना जाए। तो दोस्तों इन बातों को आप नहीं भूलना है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों अब आपको कौन से उपाय करना है ताकि दोस्तों जो भी आपने गलतियाँ की है दोस्तों उन गलतियों से आपको छुटकारा मिल जाए और भगवान का वास आप सभी के जुनकाल में फिर से बने, फिर से आपके जुनून खुशियों से भरा रहे। क्योंकि दोस्तों आपके जुनकाल में पिछले कई समय से बहुत ही बुरा चल रहा है और दोस्तों अब अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों आपको कुछ उपायों को करना चाहिए। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि हींग कुछ सब्जियों में हाजमे के लिए प्रयोग होती है। यह अपनी एक अलग सी ही सुगंध रखती है। यह एक विशेष तांत्रिक पदार्थ में आती है। दोस्तों इसके प्रयोग में इसे पानी में मिलाकर एक घोल बना लें। इसके मूली के धागे को इस घोल में डुबाकर रख दें। आधा घंटा तक मूली के धागों को उस घोल में पड़ा रहने दें। इसके बाद मूली सूख जाने के बाद उस मूली के धागे की एक बत्ती बना लें। इस बत्ती को तिल के तेल के दीपक में प्रज्वलित करें। दोस्तों यह दीपक शनिवार सायंकाल में अपने घर के मेन गेट के पास अंदर की ओर जलाना चाहिए। यह उपाय सात शनिवार करें, आपके घर में लगने वाली हर बुरी नजर का नाश होगा और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। जी दोस्तों गृह कलेश आपके घर से समाप्त हो जाएंगी और जो भी लोग बुरी नजर आपके घर पर रखते हैं दोस्तों उनका भी सर्वनाश होगा।
तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खास उपाय है, एक ही उपाय है जो कि आपके सारी बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। तो दोस्तों इन्हें आप ध्यान से कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को पसंद आया है। और दोस्तों और ऐसी ही दक्ष जानकारियों के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।